हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो कि एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कि आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम को आपको पढ़ना है और उसके थ्रू क्या करना है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसका सॉल्यूशन आपको बाय एलिमिनेशन मेथड फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी कि अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, उसके डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, वट इज़ फ्रैक्शन। कि अगर हम उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, एक दूसरी कंडीशन है कि अगर उसके डिनोमिनेटर में केवल 1 को ऐड करें तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू पता करनी है कि वो फ्रैक्शन होगा क्या। तो आप सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपको फ्रैक्शन पता करना है, तो आप सपोज कर लीजिए कि लेट एक्स अपॉन वाई बी द गिवन फ्रैक्शन। कि आपने सपोज कर लिया कि जो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है वो क्या है, x अपॉन वाई है। अब क्या है स्टूडेंट्स, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कि अगर हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और उसके डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें। तो मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको आप 1/1 भी कह सकते हो और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 के मल्टीप्लिकेशन x प्लस 1 से होगी तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, और y माइनस 1 के मल्टीप्लिकेशन 1 से होगी तो ये हो जाएगा y माइनस 1। इसे अरेंज कर लेते हैं, दोनों वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, तो ये x और y इधर आ जाएगा तो x माइनस y हो गया, और ये प्लस का 1 जब उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1, ऑलरेडी था यहाँ पर और 1 और चला गया तो माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आ गया x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिए। अगेन स्टूडेंट्स, आपको फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था, जो दूसरी बैट थी क्वेश्चन की वो क्या कहती थी कि ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस, देखिए यहाँ पे क्या था कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कि हमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है और उसके डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है, तब फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 1/2। इसे भी अरेंज कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो 2 से x की मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लिकेशन y प्लस 1 से हो जाएगा तो ये y प्लस 1 हो जाएगा। वेरिएबल एक साइड कर लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मतलब इस क्वेश्चन में जो कहा गया था कि हमें फॉर्म करनी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक प्रॉब्लम को पढ़ के, तो इस प्रॉब्लम को हमने पढ़ा और इसके थ्रू क्या किया हमने कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दी, तो एक काम तो हमारा हो जाता है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस फ्रैक्शन को फाइंड करना है एक्स अपॉन वाई को। तो अगर हम एक्स की वैल्यू पता कर लें और वाई की वैल्यू पता कर लें, उनकी वैल्यूज यहीं पुट कर दें, तो हमें क्या मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये एक्स और वाई आएंगे कहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हम x और y की वैल्यू पता कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली क्वेश्चन थी वो क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरी क्वेश्चन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें जो y के कॉफिशियंट्स है, देखिए यहाँ पे भी y का कॉफिशियंट माइनस 1 है और यहाँ पे भी y का कॉफिशियंट माइनस 1 है, तो कॉफिशियंट तो ऑलरेडी इक्वल है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कि हम इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये माइनस है और जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका साइड प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, ये माइनस का और ये प्लस का तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए माइनस टू और माइनस वन, तो दैट इज़ कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। तो देखिए दोनों साइड माइनस साइन है तो कैंसिल आउट होंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा y एलिमिनेट हुआ तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है कि अगेन अब ऐसा कुछ करना है कि हमारा x एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में जो x का कॉफिशेंट है वो कितना है, 1 है, और दूसरी वाली इक्वेशन में जो x का कॉफिशेंट है वो कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के कॉफिशेंट्स इक्वल करने के लिए पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 2x होगा ही होगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2x रहेगा ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब ये मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए आप x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 को, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 4।
देखिए, 2 से x को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2y और माइनस 4, और 1 से आप दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशंस मतलब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दोनों जो एक्स वाले टर्म है, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में उसके जो कॉफिशियंट्स हैं वो इक्वल हो गए, और दोनों प्लस के हैं, तो इसको भी क्या करेंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कि इसमें भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका साइन प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो कैंसिल आउट। देखिए ये माइनस 2y और ये प्लस का y है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए छोटा वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव है, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, तो y में से 2y लेस होगा तो ये जाएगा माइनस वाई, और ये दोनों माइनस के तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस मतलब क्या 4 और 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 5। तो यहाँ से माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो देखिए स्टूडेंट, वाई की वैल्यू भी मिल गई हमें, और अभी अभी हमने x की वैल्यू भी फाइंड की थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 3। तो अब क्या करते हैं, हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, फ्रैक्शन हमने सपोज किया था वो था x अपॉन वाई। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 5। तो देखिए स्टूडेंट, बाय एलिमिनेशन मेथड हमारा जो प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व किया, और फ्रैक्शन की वैल्यू भी हमें पता चल गई, वो फ्रैक्शन क्या है 3/5। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।